डियर व्यूअर्स, एक बार फिर से मैं आपके बीच उपस्थित हूँ हिस्ट्री के कुछ ऐसे टर्म्स को लेकर, कॉन्सेप्ट्स को लेकर जो कि नेट जीआरएफ एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज जो हम टॉपिक्स लेने वाले हैं वो फैक्ट बेस्ड के साथ साथ कंसेप्चुअल हैं, तो इस लिहाज से ये सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का विषय। जो हमारा पहला टॉपिक है ये है दिल्ली वॉल। दिल्ली वॉल जो था बेसिकली कॉइन था जो दिल्ली के रीजन में सर्कुलेट होता था। ये 11th एंड 12th सेंचुरी के आसपास काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था। कहा जाता है कि ये जो तोमर डायनेस्टी थे जिन्होंने पहली बार दिल्ली को कैपिटल बनाया उनके द्वारा स्टार्ट किया गया था। बाद में चहमान ने इनको सक्सीड कर लिया वहाँ पर दिल्ली में और उन्होंने भी इसको इस दिल्ली वॉल कॉइन को कंटिन्यू किया। जो दिल्ली वाल कॉइन है ये बलबन के टाइम तक काफ़ी पॉपुलर रहा। बाद में जीतल और टंका दो कॉइन थे जो इल्तुतमिश के द्वारा चलाए गए थे, उसने इसको रिप्लेस कर दिया। एक बात यहाँ हमें ध्यान में रखना होगा कि ये दिल्ली वाल जो है दिस इज ए सिल्वर कॉइन, ऑल दो वाइल द जीतल वाज द कॉपर कॉइन। कुतुब मीनार इंस्क्रिप्शन है एक जो कुतुब मीनार पे लिखा हुआ मिलता है, उसमें लिखा हुआ है कि जो जो एक्सपेंडिचर आया था कुतुब मीनार को क्रिएट करने में वो था कोई 5 करोड़ 50 लाख दिल्ली वाल। तो वहाँ से भी इसका हमें पता चलता है कि उस टाइम में काफ़ी पॉपुलर था। इसके साथ ही यागनी, सुल्तानी, शशगानी, इस तरह के लो डोमिनेशन के कई सारे कॉइन्स पॉपुलर थे। बाद में जब टाका एक कॉइन आया जो कि 48 डिजिटल के आसपास उसका वैल्यू था, ये एक सिल्वर कॉइन था, तो इसने बाकी कॉइन्स को काफ़ी ओवरशैडो कर लिया और काफ़ी कम हो गया उनका पॉपुलरिटी। आपको पता होगा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने एक टोकन कॉइन चलाया था, उस टोकन कॉइन का नाम हरमा था। ऑल दो न्यूमिस्मेटिक्स इज ए कम्प्लीट सब्जेक्ट इन इट्सल्फ, बट हमने यहाँ पर दिल्ली वाल के हिसाब से थोड़ा सा समझने का कोशिश किया है। यहाँ जो एक कॉइन आपको फीचर दिखलाया जा रहा है ये अमृतपाल का कॉइन है जो 1195 के आसपास पॉपुलर था। एक बात यहाँ पे और मैं ऑब्जेक्टिव के पर्सपेक्टिव से ऐड करना चाहूँगा कि जो भविष्य पुराण है उसमें जिक्र है कि पृथ्वीराज चौहान ने पुराना किला जो है उसको बिल्ड किया था, और जो तोमार लोग थे वो राय पिथौरा में रहते थे। राय पिथौरा गढ़ एक किला है जो कि आज के कुतुब मीनार के पास ही साकेत मेट्रो के आसपास है। तो इसके साथ हम चलते हैं नेक्स्ट अपने स्लाइड पे। ये एक और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, ये है कि जो चोला किंगडम था वो अपने जो लैंड ग्रांट्स देते थे उनका टर्मिनोलॉजी क्या था, उनके लिए टर्म्स क्या यूज़ करते थे और कितने अलग अलग काइंड के लैंड ग्रांट थे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो 5 बेसिक लैंड ग्रांट्स के टाइप्स हैं, काइंड्स हैं, वो ये हैं कि पहला है ब्रह्मदेय। जो प्रीफिक्स है उससे पता चल रहा है कि ये ब्राह्मणों को एक लैंड ग्रांट दिया जाता था उनके जो स्पिरिचुअल जो प्रैक्टिसेज करते थे और जिस तरह से मोरल सपोर्ट करते थे गवर्नमेंट को, किंगडम को, उसके लिए उन्हें दिया जाता था। वेलन वगैरह, वेलन वेल्लार हमने 2-3 बार डिस्कस किया है ऑलरेडी। तो वेल्लन जो थे वो जो लैंड ओनर्स होते थे, जो पीजेंट्स होते थे, उनके लिए टर्म यूज हुआ है। तो उस हिसाब से ये जो वेल्लन वगैरह है ये लैंड ऑफ नॉन ब्राह्मण पीजेंट प्रोप्रेटर्स के लिए यूज होता है, हुआ था उस टाइम, जो हमें इंस्क्रिप्शंस में इसके बारे में जानकारी मिलती है। शाल भोग, शाल इज बेसिकली फ्रॉम पाठशाला, सो लैंड ग्रांटेड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ए स्कूल। देवदाना, देव द प्रेफिक्स इज लाइक देवता द गॉड, सो लैंड गिफ्टेड टू द टेम्पल्स। एंड पाली छंदम, पाली छंदम वॉज द लैंड दैट वॉज डोनेटेड टू द जैन इंस्टीट्यूशंस। चोला किंगडम ने जैन इंस्टीट्यूशंस को भी काफ़ी प्रमोट किया था या उनको पैट्रोनाइज किया था। तो पल्ली छंदम जो टर्म है ये यूज होता था जो लैंड डोनेट किया जाता था जैन इंस्टीट्यूशंस को उनके लिए। ये एक बहुत ही ईजी क्वेश्चन है एक एग्ज़ाम्स के लिए, लाइक मैच ऑफ द फॉलोइंग में बहुत ईजिली ये आ सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस नेट जीआरएफ में आते ही रहते हैं, तो इनको याद रखना मेरे ख्याल से एक ज़रूरी टास्क है हम सब के लिए। इसके साथ हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है मुवेंदर वेलन। फ्रेंड्स, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द मुवेंदर इन द प्रीवियस लेक्चर। मुवेंदर वेलन क्या है
कि अवेलन अ पीजेंट सर्विंग थ्री किंग्स ऑफ साउथ इंडिया, द चेला चोला, द चेरा एंड द पांड्या। एक कोई पर्टिकुलर मीनिंग या स्पेसिफिक मीनिंग की अगर बात करें तो यहाँ पे ऐसा देखने को नहीं मिलता है। जो मूवेंद्र मिलन है, विलन है, उसके लिए तीन चार अलग अलग मीनिंग्स डिसाइफर किए जा सकते हैं, लाइक द पीजेंट सर्विंग थ्री किंग्स और द प्रोमिनेंट मिलिट्री ऑफिसर ऑफ चोला एम्पायर। इट वॉज यूज एंड एज वेल एज इट वॉज यूज एज ए टाइटल फॉर रिच लैंड ओनर्स। अरैयर वॉज अनदर टाइटल दैट वॉज यूज बाई द चोला किंगडम फॉर द रिच लैंड ओनर्स। सो फ्रेंड्स, मूवेंद्र विलन को हमें इस टर्म को ध्यान में रखना है, क्योंकि ये दो तीन अलग अलग मीनिंग्स में यूज हो रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्जाम्स में। इंटरेस्टेड देम विद द इंपॉर्टेंट ऑफिसेज ऑफ द स्टेट एट द सेंटर। ये जो मूवेंद्र विलन होते थे, इनका राजा जो किंग है उनसे काफ़ी क्लोज रिलेशन होता था और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे डिसीजन मेकिंग्स में। और इनको अपने जिस एरिया में इनको डिप्लॉय किया जाता था वहाँ पे ये काफ़ी डोनेट करते थे एसेट और मनी, तो इसके लिए भी ये काफ़ी पॉपुलर होते थे, जेनरस माने जाते थे कि दयालु होते हैं मूवेंद्र विलन। सो इस तरह का इनका इमेज था। ये एक टर्मिनोलॉजी है जो कि इम्पोर्टेंट था, हमें डिस्कस करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है नेट के लिहाज से ये क्वेश्चन। हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं आज के। ये जो कॉपरनरी इनहेरिटेंस है, ये बेसिकली मैं मानता हूँ कि सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटर डिसिप्लिनरी एक कॉन्सेप्ट है। ऑल दो जो नेट JRF के लिए स्टूडेंट हैं उनको भी इसे थोड़ा समझना चाहिए। ये जो है बेसिकली प्राइमोजेनिचर इनहेरिटेंस के एक अपोजिट कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ था। ऑल दो इंडिया में भी ये कॉन्सेप्ट तो था, बट इसका जो प्रैक्टिस हमें देखने को मिलता है वो मुगल पीरियड में सबसे पहले देखने को मिलता है। जो प्राइमोजेनिचर इनहेरिटेंस है उसमें होता है कि जो राजा है उसका जो सबसे बड़ा पुत्र होगा, सबसे जो एल्डर सन होगा, ही विल गेट द थ्रोन। उसको उसको फिर आगे पास ऑन करना है। तो ये प्राइमोजेनिचर इनहेरिटेंस था। जबकि जो कॉपरनरी इनहेरिटेंस है इसमें क्या होता है कि जो फादर का एसेट है वो उसके सन्स के बीच, जो उसके जितने भी लड़के हैं, जो मेल मेल उसके चाइल्ड हैं, उनके बीच जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन उसका हो जाएगा। तो आप देखते हैं कि बाबर के मरने के बाद हुमायूं ने अपने भाइयों के बीच इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, फिर भी उनके बीच कन्फ्लिक्ट हुआ काफ़ी, आपको पता होगा। इसमें जो कॉपरनरी इनहेरिटेंस है इसका सबसे बड़ा वीकनेस जो है वो हमें ये देखने को मिलता है कि बर्थ और डेथ ऑफ ए मेल इन द फैमिली, द शेयर ऑफ सर्वाइविंग मेल फ्लक्चुएटेड। इसका मतलब है कि जब भी फैमिली में कोई मेंबर बढ़ेगा या घटेगा तो आपका जो शेयर है वो फ्लक्चुएट कर जाएगा, और यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। आप देखते हैं कि पूरे के पूरे मुगल पीरियड में कन्फ्लिक्ट लगातार चलता रहता है। अकबर के टाइम में उसका सन जो जहांगीर है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, फिर खुर्रम शाहजहां हो उसने भी प्रॉब्लम किया जहांगीर के लिए, और औरंगजेब ने तो मोरल वैल्यूज़ को काफ़ी कहीं रहने ही नहीं दिया अपने इस कॉपरनरी इनहेरिटेंस को। अपने टाइम पीरियड में उसने उसने अपने भाइयों को कत्ल कर दिया, सारा कुछ उसके आगे भी हमें देखने को मिलता है इस तरह का इशू। ये दो बेसिक जो डिफरेंस है कि कॉपरनरी इनहेरिटेंस में क्या होता है कि जो लड़के जो आपके बेटे हैं उनके बीच में आप अपनी संपत्ति का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे, जबकि प्राइमोजेनिचर होता है कि उसमें जो सबसे बड़ा बेटा है वही राजा बनेगा, बाकी उसके साथ सपोर्ट करेंगे, वो दूसरे पोस्ट उनको मिलेंगे। जो हिंदू ट्रेडिशनल लॉज थे उसमें दो तरह के थॉट के लोग थे। तो यहाँ पे काफ़ी आर्गुमेंटेटिव अप्रोच रहा है स्टार्टिंग से। तो दो तरह के जो थॉट यहाँ पे डेवलप हुए इंडिया में वो ये थे कि मिताक्षरा एंड दाई भाग, दो तरह के ये स्कूल देखने को मिलते हैं। और जो लेटेस्ट इनहेरिटेंस में इंडिया में अमेंडमेंट हुआ है वो 2005 में हुआ है। उसमें क्या हुआ है कि द डॉटर ऑफ द फैमिली वेदर मैरिड और अनमैरिड गेन कॉपरनरी राइट्स, उन्हें इक्वल राइट्स मिल गए जो सन को राइट होते हैं वो। बट अलॉन्ग विद दैट सी और दे वुड ऑल्सो बी लाइबल फॉर द डेट्स एंड द लॉसेज। जो लाइबिलिटी होगी फैमिली की वो भी उनको बियर करना पड़ेगा। तो ये 2005 में एक इनहेरिटेंस एक्ट, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट के नाम से पास हुआ है। जो सबसे पहला इनहेरिटेंस एक्ट हमें देखने को मिलता है वो 1929 में पास हुआ था। इसके बीच में कई बार 56 में, 86 में कई बार इसमें अमेंडमेंट्स और कई बार चेंजेस होते रहे हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट स्लाइड पे।
ये है। हाँ, यहाँ पे हमने सोचा थोड़ा सा डिटेल में मिताक्षरा स्कूल को और दायभाग स्कूल को समझने की कोशिश करते हैं। जो मिताक्षरा स्कूल है ये प्रिंसिपल ऑफ प्रोपिंक्विटी पे काम करता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपिंक्विटी इज द नियरनेस ऑफ ब्लड रिलेशन। जो आपके ब्लड रिलेशन में है उसका आपके एसेट में हिस्सा बन जाएगा। बट जो दायभाग स्कूल है दैट डिपेंड्स अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिचुअल बेनिफिट। ये जो है ना ये श्राद्ध पे, जो आपके मरने मतलब जो हेड है फैमिली का उनके गुजरने के बाद जो श्राद्ध करेगा उसका हिस्सा उसमें बनेगा। और वो श्राद्ध कौन सा होना चाहिए? वो होना चाहिए प्रवर श्राद्ध। जो धर्मशास्त्र है उसमें 12 तरह के श्राद्ध बताए गए हैं। ये भी एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट नेट के पर्सपेक्टिव से। धर्मशास्त्र में एक और बुक है धर्मसूत्र, उसके बारे में भी आप पता करिएगा कि क्या डिफरेंस है धर्मशास्त्र में धर्मसूत्र में। प्रवर श्राद्ध जो है वो जो करेगा उसे प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिचुअल बेनिफिट मिलेगा और उसे जो एसेट होगा उसके पिता का वो मिल जाएगा। जो मिताक्षरा स्कूल का प्रॉब्लम था कि ओनली सन हैड एक्सक्लूसिव राइट टू गेट द प्रॉपर्टी ऑफ द फैमिली, वाइल इन द दायभाग स्कूल इवन द गर्ल्स वुमेन कुड इनहेरिट द प्रॉपर्टी। सो ये एक बहुत बड़ा इसमें डिफरेंस था। और जो दायभाग स्कूल है उसमें है कि एक एयर्स के तरह लेते हैं, इनको मिलता है जमीन, कोई ये सर्वाइवर नहीं है। जबकि मिताक्षरा स्कूल में है वो अगर एक फादर है उसके 4 बच्चे हैं तो अपने जन्म के साथ ही वो उसका उस एसेट में हिस्सा हो जाता है क्योंकि वो सर्वाइवरशिप का कॉन्सेप्ट है वहाँ पे। जबकि यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ ऑब्लेशन है, ऑब्लेशन काइंड ऑफ यज्ञ या कोई श्राद्ध जो है वो आप करेंगे फिर आपका हिस्सा बनेगा वहाँ पे। सो एक मिताक्षरा स्कूल और दायभाग स्कूल में एक डिफरेंस था। और ये स्कूल काफ़ी पहले से इंडिया में इस्टेब्लिश्ड है तो इसमें काफ़ी सिमिलरिटीज़ भी हैं और कुछ डिफरेंसेस भी हैं। तो इसके साथ हम एक और स्लाइड मैंने ऐड किया है, ये काफ़ी डिफरेंट है। ये स्लाइड मैंने खुद से इसको क्रिएट किया है आपके लिए। ये इसमें कॉपरनरी राइट्स जो इनहेरिटेंस है उसकी जो बात मुगल एम्पायर में होती है वो किस तरह से कोलैप्स हो जाता है पूरा का पूरा, वो यहाँ पे आपको देखने के मिलेगा। यू आर ऑलरेडी नो अबाउट यू आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट द हाउ औरंगजेब गेट द पावर। इसने अपने भाइयों को मार दिया या सारा कुछ दारा शिकोह के साथ इसने किया और दूसरे फिर इसने सत्ता स्थापित की। इनके 3 लड़के हुए जो आजम, मुअज्जम और कामबख्श। मुअज्जम जब जब 1707 में औरंगजेब गुजर गए उसके बाद मुअज्जम ने क्या किया कि जो औरंगजेब ने किया था वही इसने भी किया। आजम को भगा दिया, लड़ाई हुई इनकी और कामबख्श बेचारा मारा गया तो मुअज्जम अकेले रह गया। तो फिर कॉपरेनरी ख़त्म हो गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक सन, ये सबसे बड़ा लड़का था मुअज्जम, तो इसने जो प्राइमोजेनेचर का जो एक कॉन्सेप्ट था वो एक तरह से ओवरकम हो गया और यहाँ पे मुअज्जम ने सत्ता स्थापित कर ली 1707 से 12 तक। अब देखिए इसके 4 लड़के हुए, जहादर, अजीमुस्सान, रफीउस्सान और जहानशाह। इसके बाद जो जहादर था इसका बड़ा लड़का उसे सत्ता मिली, वो यहाँ पे 1712 में बनता है और उसी साल ये मार दिया जाता है। इस टाइम जो थे सैयद ब्रदर्स जो थे वो किंग मेकर का रोल प्ले कर रहे थे और उन्होंने अजीमुस्सान के लड़के फरुख सैयद को उन्होंने बना दिया यहाँ पे बादशाह। और फरुख सीयर ने कोशिश की कि सैयद ब्रदर्स को सब्जुगेट करने का और उनको एग्जीक्यूट करने का, तो उल्टा फरुख सीयर को ही अपने जान से हाथ गंवाना पड़ा, धोना पड़ा। उसके बाद हम देखते हैं कि रफ़ी उस्सान के 2 लड़के थे, रफ़ी दर्जात, ये यहाँ पे गलत है, जे होगा, एंड रफ़ी उद्दौला। ये दोनों बीमार थे काफ़ी और 1 साल के अंदर ही रफ़ी उद्दौला की तो मौत भी हो गई, मृत्यु हो गई उनकी। इसके बाद मोहम्मद शाह को गद्दी मिली। अब देख रहे हैं आपकी 4 अलग अलग बेटे हैं, उनके जो बच्चे अलग अलग हैं वो इस तरह से गद्दी ले रहे हैं और इनके बीच में ये 1 साल, 100 साल के अंदर ये सारे कन्फ्लिक्ट होते हैं। मोहम्मद शाह जो है वे बहुत अनलकी अनलकी बादशाह हुआ। इसके टाइम में नादिर शाह ने आक्रमण किया, इसके टाइम में जो है डिसेंट्रलाइजेशन हो गए, बंगाल अलग हो गया, हैदराबाद अलग हो गया और अवध ने अलग होने की तैयारी कर ली। ऑल दो देवर सेपरेटेड इन द 1752 इन द टाइम पीरियड ऑफ अहमद शाह, बट इट वॉज इन द प्लानिंग टू सेपरेट इट सेल्फ इन द टाइम ऑफ मोहम्मद शाह आल्सो। सो 1719-1748 का जो टाइम है, यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि ये मोहम्मद शाह का टाइम है, इससे अगर हम 400 साल पहले जाएँ तो ये 1319, 1326 में मोहम्मद बिन तुगलक सत्ता संभालते हैं और 1351 तक उनकी वो राजगद्दी पे होते हैं। इस 25 साल के टाइम पीरियड में भी कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिलता है, द पीरियड ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, द पीरियड ऑफ न्यू एक्सपेरिमेंट्स और द एडवेंचरस
अटेम्प्ट्स। जब मुहम्मद सात को और मोहम्मद बिन तुगलक को देखेंगे तो आप देखेंगे इन दोनों के टाइम में इनकी जो पूरी पूरी जो वहाँ जो सुल्तान का जो किंगडम था और यहाँ पे जो पूरा किंगडम था ये सारा बिखर गया। पीरियड ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन है दोनों का दोनों, तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं। वहाँ पे विजयनगर और बहमनी अलग हो रहे हैं, यहाँ पे ये हैदराबाद और सारा बिखर रहा है, तो ये आप देख सकते हैं। मराठा का प्रभाव और अफगानों का प्रभाव इस पर है, तो काफ़ी काफ़ी मुश्किल में मोहम्मद शाह का टाइम गुजरता है। फिर अहमद शाह आते हैं, अहमद शाह के टाइम में तो अहमद शाह अब्दाली वगैरह ने काफ़ी उत्पात मचाया और दिल्ली को तहस नहस किया। पहले भी नादिर शाह ने भी वैसा ही किया था। अहमद शाह के बाद आप देखिए जब 54 में ये अहमद शाह का निधन होता है, उसके बाद देखिए आप आ जाते हैं जहादर के लड़के पे। अभी तक ये अंकल्स और कजन्स के बीच में ना लड़ाइयाँ थी, चाचा भतीजे भाई के बीच में लड़ाइयाँ चल रही है दो एक जनरेशन के बीच में। अब क्या हुआ कि अहमद शाह के बाद यहाँ पे आलमगीर फर्स्ट कौन है? आलमगीर फर्स्ट है आजम औरंगजेब। औरंगजेब जो है वो आलमगीर फर्स्ट कहा जाता है, और शाह आलम फर्स्ट है वो है मुअज्जम बहादुर शाह जो है वही है। शाह आलम टू का उसने टाइटल लिया था, साथ में उसको साहेब खबर भी कहते थे। और मोहम्मद शाह जो था वो मोहम्मद शाह रंगीला था। अब हम आते हैं कि जहांदर जो 1712-13 में एक साल रहा था, अब देखिए इसका जो लड़का है आलमगीर, ये इसने सत्ता संभाली, इसको 5 साल का मौका मिला। अब आया शाह आलम टू, पूरा का पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी का जो इस्टेब्लिशमेंट होता है और सारा इशू होता है वो उसका जो एक मात्र उस टाइम का जो बादशाह होता है वो शाह आलम है। 1803 में ख़त्म कर दिया जाता है इसका सारा फैसिलिटी, और इसको प्रीवी पर्स दे के साइड कर दिया जाता है और दिल्ली पे अंग्रेज़ों का कब्जा हो जाता है 1803 में। उसके बाद अकबर बनते हैं, अकबर टू यहाँ पे 0 एक एक्स्ट्रा हो गया है। अकबर टू के टाइम में ही अकबर ने अपने पेंशन के लिए राजा राममोहन राय को भेजा था इंग्लैंड, आपको पता होगा। तो ये 1833 में उनकी वहाँ पे फिर डेथ हो जाएगी। तो ये है सारा कुछ अकबर का टाइम 1806 से 1837। और बहादुर शाह टू, बहादुर शाह जफर भी जिसको कहते हैं, जफर कहते हैं क्योंकि वो शायर था, बहुत ही शासक से ज़्यादा वो शायर था। तो बहादुर शाह टू, इस तरह से आप देखते हैं कि ये प्राइमोजिनेचर का एक ना यहाँ पे आपको एसेंस मिलेगा कि ये सारे एक लड़के उसका लड़का फिर उसका लड़का फिर उस, तो इस तरह से और सब इस तरह से सीक्वेंस में चलते रहे। तो कॉपरेनरी जो है ये सस्टेन नहीं कर पाया, ये मैं जस्टिफाई करना चाह रहा था इससे। और एक और बात मैं ऐड कर दूं कि 11 किंग आप देखते हैं कि लेटर मुगल्स हुए, 6 पहले के थे, तो इस तरह से मुगल पीरियड में 17 रूलर्स हुए हैं, 17 बादशाह हुए हैं जिनको आपको ये पता होना चाहिए। सो विद दिस नोट्स अब अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने एक और टॉपिक ऐड करने की कोशिश की है कि कंटेम्प्रेरीज ऑफ अकबर। अकबर जब इंडिया में रूल कर रहा था उस टाइम में दुनिया में अलग अलग जो मोनार्कीज थे और जो किंगडम्स थे वहाँ पे कौन लोग थे? तो इंग्लैंड में अगर सबसे पहले बात करें तो वहाँ पे एलिजाबेथ फर्स्ट थी। जो एलिजाबेथ फर्स्ट थी उनका टाइम पीरियड है कि 1583 से 1603। इन्हीं के टाइम में ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर मिला था 31 दिसंबर से 1600 को 15 साल के लिए कि वो केप ऑफ गुड होप से लेके स्ट्रेट्स ऑफ मैजेलन के बीच में ट्रेड कर सकते हैं। ये केप ऑफ गुड होप, स्ट्रेट ऑफ मैजेलन अगर मैप में हम देखें तो स्ट्रेट ऑफ मैजेलन जो है ये चिली में यहाँ कहीं है, जो केप हॉर्न है उसके ठीक ऊपर, और यहाँ पे केप ऑफ गुड होप था। तो इनको जो ट्रेड करने को मिला था वो मिला था ये पूरा एरिया और ये पूरा एरिया यहाँ तक, मतलब ये वाला जो पार्ट था अटलांटिक ओशन वाला, इसको छोड़ के पूरा एरिया इन्हीं को मिला था ट्रेड करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 साल के लिए। ये जो था ये स्ट्रेट सामने रूट था नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का, इसलिए ये यहाँ पे जाना आसान था, तो ये इन्हें नहीं मिला था। जो स्ट्रेट ऑफ मैजेलन है ये चिली में है, और गुड होप जो है ये साउथ अफ्रीका में है। जो सेकंड इसमें इंफॉर्मेशन है, फैक्ट है, वो है कि सर जेम्स लैंकास्टर ये थे कमांडेंट जो कि पहली बार रेड ड्रैगन करके इनका शिप था उसको लेके इंग्लैंड से और इंडिया के लिए निकले थे। बट अनफॉर्चुनेटली दे नेवर रीच्ड इंडिया, वो इंडोनेशिया वगैरह के एरिया में चले गए और वहाँ भी रुके नहीं, वहाँ पे इन्हें कुछ पोर्टुगीज शिप मिल गए, इन्होंने लूट किया क्योंकि ये बेसिकली ट्रेडर थे, तो इन्होंने सामान लूटा और वापस चले गए। दूसरी बार जब इनका एक्सपीडिशन हुआ फिर भी नहीं पहुँच पाए इंडिया। तीसरा जो एक्सपीडिशन होता है, थर्ड वॉयज जो होता है, उसमें 3 शिप थे, एक हेक्टर, एक कंसेंट और एक रेड ड्रैगन, जिसके 3 कमांडर जो थे, हेक्टर का कमांडर था हॉकिंस,
कॉन्सेंट का मिडिल्टन और रेड ड्रैगन का किलिंग। रेड ड्रैगन पहले भी आ चुका था। जब ये चलते हैं वहाँ से तो जो पोर्ट है उसका नाम मैं मिस कर रहा हूँ, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। तो वहाँ से जब ये चलते हैं तो चलने के साथ ही कंसेंट जो है वो थोड़ा सा स्टॉर्म आने पे कंसेंट इनसे बिछड़ जाता है और अलग हो जाता है। और कंसेंट का रफ्तार जो स्पीड है वो ज़्यादा है तो वो आगे निकल जाता है इनसे। हेक्टर और रेड ड्रैगन पीछे रह जाते हैं। एट लास्ट हेक्टर जो है वो सूरत पहुँचता है। कब पहुँचता है ये 24 अगस्त 1608 को सूरत पहुँचता है। हेक्टर पे हॉकिंस होता है कमांडर उसका। तो ये आप से क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में ऐसे इस तरह क्वेश्चन आते हैं कि पहला कौन सा शिप है जो इंडिया पहुंचा था, वो हेक्टर है, कौन उसका कमांडर था, तो हॉकिंस था। यहाँ एक और बात मैं ऐड कर दूँ कि हॉकिंस जो आता है तो हॉकिंस जाता है जहांगीर के दरबार में। तो उसके पास जो लेटर होता है वो लेटर होता है जेम्स फर्स्ट का। जेम्स फर्स्ट का कैसे, क्योंकि 1603 में एलिजाबेथ फर्स्ट की का डेथ हो जाता है और ये चूँकि 1607 में चला होता है तो उस टाइम जेम्स फर्स्ट होते हैं, जो कि जेम्स सिक्स होते हैं स्कॉटलैंड के, वही किंग ऑफ इंग्लैंड बन के जेम्स फर्स्ट के रूप में पोस्ट को एक्वायर करते हैं। और जो हॉकिंस है जब आता है तो उसके पास जो लेटर होता है वो जेम्स फर्स्ट का होता है, जबकि जो चार्टर पे साइन है वो एलिजाबेथ का है 1600 में। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे मिस नहीं करना है। और जो एलिजाबेथ थी इनके कंटेम्प्रेरी रॉल्फ फिश था। रॉल्फ फिश जो है अकबर के टाइम में पूरा इंडिया घूम के गया था, उसने सब कुछ, वो एक एडवेंचरस था, टूरिस्ट था, वो उसने पूरा एरिया घूमा था। हालांकि जो लंकास्टर थे वो भी आए थे, बट वो ट्रेड के लिए आए थे और पोर्ट से अंदर वो इंडिया में नहीं आए थे, और वो लोग घूम घाम के चले गए थे यहाँ से अपना जो ट्रेड था उनका उसको करके। सो दे नेवर कम टू द इनलैंड ऑफ इंडिया और दे नेवर मेट एनी रूलर और एनी किंग ऑफ द टाइम। सो विद दैट एक बात इसमें जो रह गई कि लेमन और स्कर्वी, जो लैंकास्टर था वो जब आ रहा था तो उसके साथ जो लोग थे शिप में उनको स्कर्वी का प्रॉब्लम हो जाता था। तो ये जो कमांडर था इसने क्या किया कि बॉटल में लेमन जूस लेके आता था और अपने जो उसके शिप में जो और होते थे नेवल स्टाफ्स उनको वो देता था और वो ठीक हो जाते थे। हालांकि कोई 200 साल के बाद ये प्रूफ हुआ कि स्कर्वी के लिए विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक ये हमें जानकारी मिलती है, इस तरह के क्वेश्चन नेट में आप पूछता रहता है नेट कि लेमन ऑफ स्कर्वी हु यूज फॉर द फर्स्ट टाइम और जेम्स लैंकास्टर ने क्या अलग किया था, इस तरह के क्वेश्चन एसर्शन रीजन में भी आ सकते हैं। सो हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं जो इससे जुड़ा हुआ है कि कंटेम्प्रेरी जो अकबर में हमने इंग्लैंड में देखा, अब अलग देखते हैं कहीं ओटोमन एम्पायर में। ओटोमन एम्पायर है आपको पता है कि टर्की के आसपास का एरिया था। यहाँ पे सुलेमान का जो टाइम है ये टाइम है, आपको मैं बता दूँ कि द फर्स्ट हाफ ऑफ द 16th century, और इसको कहा जाता है द मैग्निफिसेंट सुलेमान द मैग्निफिसेंट। एक आप देखेंगे यूट्यूब पे एक सीरीज भी है मैग्निफिसेंट सेंचुरी करके जो बड़ा पॉपुलर हुआ था, और वो इसी सुलेमान के बारे में है। इसका जो टाइम पीरियड है ये दैट इज गोल्डन एज ऑफ इन आर्टिस्टिक लिटरेचर एंड आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट इन द ऑटोमन एम्पायर। इसको लॉ गिवर भी कहा जाता है क्योंकि ये काफ़ी न्यायप्रिय था और ये डायरेक्ट ट्रेड में था इंडिया के साथ। थट्टा, सूरत और जंजीरा ये जो पोर्ट्स थे यहाँ पे रेगुलर ट्रेड था टर्की और टर्की वॉज द पार्ट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर, तो ऑटोमन एम्पायर से यहाँ पे ट्रेड सीधा होता था। इसमें जो ट्विस्ट आता है मैं आपको बताऊँ कि ट्विस्ट ये आता है कि 1452 में 1452 में क्या हुआ, यहाँ आप देखिए कि ये जो जगह है टर्की के पास यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रेट था, ये ब्लैक सी है और यहाँ पे मारमरा है, सी ऑफ मारमरा। तो ये मारमरा सी और ब्लैक सी के बीच क्या है कि एक यहाँ पे बॉस्फोरस स्ट्रेट था, और उसी बॉस्फोरस स्ट्रेट के रास्ते होके यहाँ से ट्रेड होता था बाय रोड। तो यहाँ से इस तरह से ना आप यहाँ जर्मनी तक जा सकते थे। 1452 का में क्या हुआ कि ऑटोमन एम्पायर का ये जो शहर है कॉन्स्टेंटिनोपल है जो कुस्तुनतुनिया या आज का जो इस्तांबुल है, इस पर क्या हुआ कि ऑटोमन एम्पायर का कब्जा हो गया। अब जब कब्जा हो गया तो उन्होंने ट्रेड अपने कब्जे में ले लिया, तो यहाँ जो जर्मनी और फ्रांस के लोग हैं, जो स्पेन के लोग हैं, जो यूनाइटेड किंगडम है, इनको प्रॉब्लम होने लगी। तो इन्होंने क्या किया फिर कि इन्होंने 1488 में यहाँ से एक रास्ता, मैं लास्ट मैप में दिखाऊँ आपको, इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे यहाँ से ऐसे एक रास्ता इन्होंने डेवलप कर लिया, यहाँ से एक रास्ता इन्होंने डेवलप किया यूरोप से, इंग्लैंड स्पेन से मान के चलिए ऐसे,
और ये केपअप को ढो पा गए और यहाँ पे इन्होंने अपना एक इन्वेंट्री बना लिया। अब इन्वेंट्री बना लिया और इस एरिया पे जो था पूरा, ये इंडिया है तो इस एरिया पे पूरा जो है वो कब्जा था ओटोमन एम्पायर का, इंडियन ओशियन और अरेबियन सी पे, ठीक है, इनका कब्जा था। अब इसमें हम देख लेते हैं इनका कब्जा था यहाँ पे, ये यहाँ से ट्रेड करते थे और इस पूरे एरिया पे कब्जा था। अब चूंकि उन्होंने जो यूरोपियन पोर्टुगीज वगैरह थे उन्होंने जो इस एरिया से ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया 1498 के बाद, तो इनके बीच कन्फ्लिक्ट रहने लगा, काफ़ी विवाद होते थे और लड़ाइयाँ थी। और सुलेमान ने हर कोशिश की कि किसी तरह पोर्टुगीज़ को इंडियन ओशियन से बाहर किया जाए और इसलिए उसने काफ़ी अकबर का सपोर्ट भी किया, बट मुश्किल था उनको रोक पाना। सुलेमान लेड कैंपेन्स टू रिमूव द पोर्टुगीज फ्रॉम इंडियन ओशियन। डिस्कवरी ऑफ द केप ऑफ गुड होप इन 1488 इनिशिएटेड अ सीरीज ऑफ ऑटोमन पोर्टुगीज नेवल वॉर्स इन द ओशियन। इस पूरे रीजन में ट्रेड को लेकर, ट्रेड पे सुपीरियरिटी को लेकर लड़ाई छिड़ी रही पूरे सेंचुरी में। और जो सुलेमान था उसने 1566 तक रूल किया था और उसी के टाइम में एक ये जो आप निकला हुआ हिस्सा देख रहे हैं, ये जो आप निकला हुआ हिस्सा देख रहे हैं यहाँ पे क्या था, ये जो है इसको कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। यहाँ पे एक अजूरंस थे, अजूरा एम्पायर था। इन्होंने क्या किया कि टर्की के जो क्वाइन थे, टर्की जो ओटोमन एम्पायर का जो क्वाइन था उसको इन्होंने वैलिड अपने स्टेट में कर दिया और पॉपुलर कर दिया। तो इस पूरे रीजन में ओटोमन एम्पायर का काफ़ी ज़्यादा प्रभुत्व हो गया। हालांकि ईरान में सफाविद थे उस टाइम, इसके बारे में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे सफाविद के बारे में और जो रशिया है उसके बारे में। तो टर्की में सेंट्रल में जो के आसपास जो ओटोमन एम्पायर था उनका प्रभाव इस तरह से था इस टाइम पीरियड में, जबकि अकबर इंडिया में अपना रूल कर रहा था। तो उस हिसाब से हम देख सकते हैं कि एक तो इसके पहले हमने यूनाइटेड किंगडम की बात की, फिर टर्की की बात की, दो और रहते हैं, एक ईरान में सफाविद और एक रशिया, रशिया में जात जो भी हैं उनको हम कल डिस्कस करेंगे, और इंडिया में अकबर। तो ये किस तरह से इनके रिलेशन थे और कौन कौन से प्रॉब्लम थे, इनको आप जब कॉम्पेरेटिव स्टडी करेंगे तो आपको इनके बेसिक पता होना चाहिए कि वहाँ पे कौन से रूलर थे, कौन सा उस टाइम प्रॉब्लम था उनके साथ, इस तरह के कहाँ पे कौन सा जो जियोग्राफिकल फीचर है वो ये देखिए। ये कैस्पियन सी है, जो मैक्समुलर हैं जो एक फिलोलॉजिस्ट थे उन्होंने क्लेम किया फिलोलॉजी के बेस पे कि जो आर्यंस थे वो पहले कैस्पियन सी के एरिया में रहते थे और बाद में वो एक उनका ग्रुप ईरान की तरफ, इराक की तरफ चला गया और एक यहाँ से अफगानिस्तान पाकिस्तान होते हुए इंडिया आ गया। हालांकि काफ़ी विवादित है फिलोल इसमें मैक्समुलर से पहले विलियम जोन्स ने काम किया था, हालांकि उनको काफ़ी काफ़ी कम उम्र थी उनकी जब उनकी मृत्यु हो गई, बट उन्होंने काफ़ी काम किया था। और मैक्समुलर ने जो फिलोलॉजी है, जो वर्ड्स है जैसे मदर फादर, उसके दम पे इन्होंने ये इस्टेब्लिश करने का कोशिश किया कि ईरान इराक के जो लोग हैं और जो इंडिया के लोग हैं ये इनका कोई एक रूट है। हालांकि आज तो एक तरह से डिनाइड हो गया है ये थ्योरी, बट हिस्टोरियन हिस्ट्री के स्टूडेंट के लिए जानना जरूरी है। ये मैक्समुलर ने ये कॉन्सेप्ट दिया था फिलोलॉजी के बेस पे। सो विद दिस नोट, जो दो और इसमें रहते हैं सफाविद और रशियन एम्पायर, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। यहाँ पे मैंने आपके लिए क्वेश्चन ऐड किया है जो इसी पे बेस्ड है, मैं चाहूँगा कि आप सब इसका आंसर कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें कि ये किसके टाइम पीरियड में आए थे, इनमें से कोई एक सही है। ये जून 2015 में पेपर 2 में नेट में पूछा जा चुका है। आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं, फिर हम वेडनेसडे को बात करेंगे आगे कुछ और कॉन्सेप्ट्स के बारे में। और आपके काफ़ी कमेंट्स और वो आ रहे हैं हमारे पास तो वो अच्छा लग रहा है सुन के। थैंक यू सो मच, सजेशन सर वेलकम।